गाइस फाइनली हमारा बक्कू हो गया है। तो ये दोनों कालों को वो काला पसंद है। लंबू तुम्हारी हाइट का ही बकरा है। यहाँ पर बकरों की चेकिंग होती है, यहाँ से लेके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आज वापस से देवनार। सो जैसा कि आप लोग को बोली थी कि हम लोग ने बकरा नहीं लिए थे वो टाइम पे, क्योंकि मंडी इतनी नहीं लगी थी। तो अभी दो दिन हो चुके हैं हम लोग को जाके, सो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। तो ये बार इंशाल्लाह फाइनली हम लोग ले लेंगे। तो अभी सिर्फ अब्बा, मैं और दानिश ही जा रहे हैं। सो अभी शायद अब्बा लेंगे या तो फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो देखते हैं, पसंद आएगा तो ये बार ले लेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। और मिलते डायरेक्ट आप लोग आ गया। अभी फिलहाल हम लोग बैठे हैं खाने के लिए। दानिश को खाना था, क्या खाना था तुमको? शावरमा। मैं खाना नहीं खाया, हम लोग डायरेक्ट शाम को उठ के इधर ही आ गए। सो मैं नहीं जाने वाली थी, बट मेरा दिल हो रहा है कि मैं जाऊँ, कि बकरे का ब्लॉग बनाना ही है मुझे, कि हम लोग का बकरा आ जाएगा ऐसा करके। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। सो मिलते डायरेक्ट आप लोग को वहाँ पर। सो गाइज हम लोग बैठ गए हैं टैक्सी के अंदर, क्योंकि हम लोग को बाइक पे नहीं जाना था। जैसे अब्बा लेके जाते नहीं है बाइक पे, तो हम लोग तीनों टैक्सी में चले गए। और दानिश ने अपना खा भी लिए और अब्बा आगे बैठे हैं। सो अभी अब्बा से मिलते डायरेक्ट आपको खुद देवना है। मैं अब्बा बच बच चाट कर रहे हैं यहाँ पर। सो फाइनली अब्बा हम लोग को मिल गए हाथ में। तुमने स्टार्ट करे, चुप हो गए। और अंकल का तो टैक्सी वाले इतने बात कर रहे थे, इतना बात कर रहे थे, बाप रे बाप, अंकल ना ठग गए। लेकिन अब्बा पहली बार किसी से इतनी बात कर रहे हैं। नहीं, एक बार अच्छा टाइम पास हो गया, कब आया मालूम नहीं पड़ा। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सब छोटे छोटे बच्चे है। मौसम की आईडी बच्चे है, चल मेरी आईडी के दादी जैसे लंबे कोई नहीं है। अंदर मिले दादी जैसे, अंकल जैसे अच्छी है। तो आप फॉर्म पे जाओ। तो आज मैं आप लोगों को प्रॉपर बताऊंगी सब रेट्स के साथ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि नौशीन दी रेट्स के साथ बताओ तुम देवनार के बकरे का प्राइस। तो अभी वैसा बता देती हूँ आप लोगों को। चलो मिलते हैं डायरेक्ट आगे। तो यहाँ के छोटे छोटे बच्चू है बक्कू। ये क्या हुआ अंदर? ये क्या था अब्बा? ये क्या था? ऐसा क्यों यहाँ वाले इतनी अकड़ में क्यों रहते हैं? नहीं, नहीं, नहीं आते। भाई अभी जिसका सीजन होता है ना वो अकड़ में रहता है। अच्छा, कोई नहीं, अपना बकरा इस बार सीजन आएगा, अपन भी अकड़ में रहेंगे, है ना? अंकल बताओ जगह क्या बोल रहे हो? अभी हमारी जगह ना इन प्रोसेस है, बस 15 दिन हमारी जगह लॉन्च होने वाली है। उसका इंशाल्लाह अभी से बोल दिए। ये मनी हाइस्ट का लग रहा है ना सेक्शन, वो प्रोफेसर। हम लोग मूवी देखते थे ना, तो उसमें वो लोग ऐसे ही देखते थे पूरा। यहाँ पर पूरा अंदर दिखता है। चलो, यहाँ भैंसे है, ये बड़े यहाँ बड़े का बगोश है। अभी चालू हो गया यहाँ से, आज पब्लिक ज्यादा है ना। बकरे का लिखा, कितना बकरे दिखा। सब बकरे छूट के आ गए इधर, मारेंगे मेरे को। कितने सारे अरे उधर से भी आ रहे सब। अभी और लोड हो रहे, मार लोग मारते कैसे है? ऐसी करते हैं लोग, ज्यादा दे तो कुछ नहीं है, आठ दिन आ गया उठा कर फेंकते हैं। डंडे की मार बहुत जोर से लगती है, पता है आवाज ही आती है। विजय वो जानवर है ना। चलो जान दो, तुम अच्छे से पालना। चलो, तो ये दोनों कालों को वो काला पसंद है। पागल हो ना, वो खेलने के लिए सबसे बोल रहे हैं। अब ऐसा क्या बोलते हैं जंगली जानवर? कश्मीरी। अच्छा, लूला है ये? लूला है, ठंडा है, इसमें बड़ा ठंडा है, जब मारेगा तो ठंडा है। हम लोग के पास अच्छा था, व्हाइट कलर का कश्मीरी है ना। अब कितने का पूछो? ये 35 पूछो। अब्बा का गैस देखते हैं। राइट वाला वो बोल रहा, देने वाला, हाँ देने वाला बोल, मारता तो नहीं ना, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। अंकल जवाब नहीं दे रहे, पहले बोले तुम देख लो अच्छे से बकरा। अब्बा रॉन्ग गए, काला है लेकिन। सो अंकल ने बोले 26,000 का, 35 का नहीं। बड़ी हड्डी है ना अब्बा। सो गाइस आज ऐसा लग रहा है कि हमारे बजट के बकरे मिल रहे हैं हम लोग को, और बाकी दूसरे पसंद आ रहे हैं बट वो सब महंगे हैं। तभी हम लोग व्हाइट कलर्स देख रहे हैं। देखो इधर
इसको ले जाओ। इतने सारे बकरे हैं इधर उधर भी है। कितना बोले हो? 38। तो ये बकरे का रेट है 38,000। तो गाइस हम लोग को यहाँ पर मोजिटो भी मिल चुका है। वाओ, मेरी फेवरेट चीज मुझे मिल गई। और ये अब्बा के 500 रुपए जब से एरिया से निकला हमने टैक्सी वाले को देने नहीं, टैक्सी वाले को दिया वो भी नहीं लिया। बोला छुट्टे नहीं, अभी ठंडे रह गया तो उन्हीं का छुट्टे नहीं है। तो अभी छुट्टे नहीं अब्बा, ये मुझे लक्की नंबर तुम्हारा रख दो। आप शायद होने वाला है, नेटवर्क नहीं आ रहा है ना, हो गया। अब्बा के 500 जा रहे, जान दो। उनके मोबाइल से भी नहीं हो रहा है, नेटवर्क नहीं, नेटवर्क नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। ये मना कर तो मैं यमुना निकाल के दे रहा हूँ। लक्की था। चलो यहाँ दो, उसको बोला नोट का नाम लिख दे, मिलेगा तो वापिस रख लेगा। तो यहाँ पे इतने सारे मेंढे बकरे भी है, ये कितना अच्छा लग रहा है। ये सब पाले ले बेच चुके, पाले ले, इनका भाव सुनेंगे ना तो जैसा चढ़े तैसा उतर भी जाएंगे। चलो फिर चलो। हम लोग को ये बक्कू पसंद आ गया है। ये मम्मे, ये बोलना रे, तोता पर ही अब्बा ये तुम। तो इसका हम लोग को बोले 32,000। देखते हैं यहाँ पर इतने सारे बकरे, कुछ समझ में नहीं आ रहे। देखो व्हाइट वाला, देखो व्हाइट वाला, देखो। तो गाइस हम लोग को एक बकरा पसंद आ चुका है, हम लोग को ये बकरा पसंद आया है मैम। सो गाइस हम लोग पूरा घूम घूम के थक गए, पर बकरा एक भी समझ में नहीं आ रहा आज भी। जो रेट में मिलना चाहिए बकरा वैसा नहीं मिल रहा है। मतलब है कोई कोई दुबले पतले, कोई कोई हेल्दी है। जो हेल्दी है उसका रेट 65-70, जो दुबले पतले उन लोग का रेट 35-40। अब्बा बोलते हैं 8 दिन में लोगों को खिला के भी कितना मोटा करूंगा मैं। मेरे जैसे बकरे हैं वो लाख रुपया ऐसे में तो फिर तुम तो करोड़ों में बिकना चाहिए, वो 1 करोड़ में बिकना चाहिए। मैं तो भैंसे में आता हूँ ना, तो कहाँ से बिकेगा। अल्लाह अब्बा खुद की बेइज्जती खुद ही कर रहे हैं। दानिश का आने से कहाँ खाएगी, चलो खत्म हो गई। तो गाइस फाइनली हमारा बक्कू हो गया है और हमने खरीद लिए, बट अब्बा प्राइस नहीं बता रहे हो बकरे का। तो बकरा देखो और माशाल्लाह जरूर बोलना। तो हम लोग ने ले लिए बक्कू, ढंडक। कितना बोले करना था लेने तो मैं बोल दी कि अब्बा प्राइस नहीं बता रहे। सीधी मुंडी में क्या आड़ी रख के हो। तो हम लोग लेके निकल रहे बकरा। ए लंबू लंबू, तुम्हारी हाइट का ही बकरा है यो। चलो माशाल्लाह बोलना गाइस, कैसा लगा बताना कमेंट में। तो जैसा मैंने बोली थी कि आज मैं ले ही लूंगी बकरा, से मैंने मेरी सीट पे ले ली बकरा। चिल्ला क्यों रहा है ये चिल्ला क्यों रहा है यो चिल्ला क्यों रहा है। अच्छा यहाँ पर बकरों की चेकिंग होती है, यहाँ से लेके जाते। चलो लेके। तो हम लोग बैठ गए टैक्सी में, बकरा पीछे है। बकरा इतना सीधे, इतना सीधे अपना रास्ता। मैं घर पे छोड़ दो, मेरा घर पे छोड़ दो। उसे घर पे से लेके आ गए ना हम उन्हें इसके लिए। नहीं, बकरे नहीं दिख रहे। तो हमारा बकरा देखने आदम भी आ चुका है। बोलो कैसा है भाई बकरा? बकरा बकरे को देखने आ रहा है। हमारा रोज बकरा बनता है, आज बकरे को देखने आ रहा है। बोलो इसको कितना मस्का मानना पड़ता है ना आने के लिए। हम लोग आए नहीं तो भाव आ गया। मैं शरीफ हूँ बोल। कैसा है बकरा? माशाल्लाह अच्छा है। कितने तक होएगा? हम लोग ने अभी तक बताया नहीं हमारे ऑडियंस को। क्या मेहनत में करो? ए जाओ ना बैठे हो आराम से, उठो। बोले बेचारे अंदर वो सब घर साफ कर रहे, उसको बांधने के लिए बैठे जाओ अंदर। जाओ
जाओ अभी 10 मिनट तक वेट करूंगा। ठीक है 45 का होगा। हां 55 का होगा। नहीं मैं अभी भाव नहीं बता रहा, रिवील नहीं का पब्लिक को आप लोग ने देखे होंगे कि मैं बकरे का रेट आप लोग को बताई थी स्टार्टिंग से लेके अभी तक के, तो आप लोग गेस करोगे ये हमारे बजट के अंदर आया है कि नहीं आया है, क्योंकि हम लोग ने सब बकरों का रेट बता चुके, ये बकरा इतने का, ये बकरा इतने का, तो वो सब बकरे देख के इसको देखो और इसको पहचानो कि ये कितने में मिल सकता है इतनी महंगा मे भी। सो बताना, हम लोग हमारे बक्कू को घर के अंदर बांध रहे हैं, तो अभी तेरे पंखे के अंदर ही बैठना, तेरे लिए पंखा बार बाहर भागेगा, मैं तो यहीं सोऊंगा इसके पास। नीचे सब सामान मेरी नियत अच्छी थी ना अब्बा बकरा लेने की, इसके लिए मिल गया हम लोग को ये अच्छा बकरा, समझे शबाना आपा। हाँ ही कर रहे। गाइस मैं तुम लोग को एक बात बताना चाहती थी, तो मैं ये बोल रही थी कि हम लोग ने जैसा आप लोग को हिंट दे दिए थे कि हम लोग इंशाल्लाह बकरे का करने वाले है अब्बा और दानिश मिलके, तो मैं उनकी आईडी का लिंक अभी डाल रही हूँ, सो बहुत जल्द उस पर हम लोग अपडेट होने वाले हैं, तो प्यार दिखाओ उस पर, इंशाल्लाह हम लोग पालने वाले बकरे भी लेंगे, मतलब आप लोग को अगर रखना है हमारे पास तो वो भी बकरे रखेंगे हम लोग, और हमारे खुद के बकरे भी रहेंगे, सो इंशाल्लाह वो चीज़ बाद में लॉन्च होगी, बट अभी फिलहाल के लिए फॉलो वॉलो कर लो, अपडेट रहेंगे। और क्या बोल रहा बा, कोशिश करेंगे जगह जैसे जल्द मिल जाएगी इंशाल्लाह, दुआ करो। सो जिसके पास अगर जगह भी नहीं तो कमेंट करके बता दो, या तो इंस्टा पे मुझे जैसे आप लोग हर चीज शेयर करते हो वैसे ही बता दो, दारू खाने या तो रेयर रोड ना अलग अलग देखिए दाना बंदा वो सब जगह पे, अगर जगह बड़ी बड़ी ऐसी हम लोग के घर जैसी जगह मिली तो प्लीज शेयर कीजिएगा। और फिलहाल के लिए चलो भी जाते हैं घर पर हम लोग, हमारा पप्पू खाना वाना खा रहा है, फिर मिलते हैं कल आप लोग से, तो मैं यही ब्लॉग एंड कर रही हूँ, सो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।